अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सबको ईद मुबारक। तो आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आप देखिएगा हमारी कुर्बानी और एक दो डिशेस भी उसमें हल्की फुल्की दिखाई गई हैं, तो आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू। Yeah!
अल्हम्दुलिल्लाह जी, कुर्बानी हो चुकी है हमारी और हमारे चाचा जी और ये खुर्रम दुखी ये खाल उतारने में मसरूफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुई हमारी। ये जी हमारा गोश्त अब चाचा जी बनाने लगे हैं जी। माशाल्लाह बड़ा सोना गोश्त निकल आया है। अंकल जी कितना गोश्त होगा? चार मन जी माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा सौदा करा के दिया अंकल ने। ये जी गबर के लिए कलेजी काटी जा रही है। सबसे पहले कलेजी बनेगी जो मैं नहीं खाऊंगा। अब मुदार है पर्दा कल ले लेंगे आपको घर जाने घर निकल गए जो अब कुछ ना रहे जो आप वो दिन तक कल फोन बात नहीं आया बेबुला की कैसे मिले मामा ने पता नहीं ना दो कपड़े बनाए ना मेरे पास बनाए क्या है मैं ना तेरे दिल्ली का और ये नाज़रीन कलेजी बन रही है। मैं नहीं खाता मेरे लिए है ये। अपन ये खाएगा भाई। लेकिन पका हुआ अचार गोश्त ये बना जी अचार गोश्त। वाह ज़बरदस्त। कमाल खुशबू आ रही है जी।